नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। और बताओ, आप लोगों की कैसी चल रही है दिवाली की साफ सफाई? हमारे यहाँ तो चल रही है जोरों शोरों से। सो यहाँ पे हम संडे को कर रही, पिछले संडे को, आज तो फ्राइडे है, पिछले संडे को हम दिवाली की सफाई कर रहे थे। एक्चुअली हम संडे को ही ज़्यादा कुछ करते हैं, बाकी इधर उधर का जो काम रहता है ना, वो मैं किचन का काम, खिड़की उड़की जो किचन का होता है, बाकी डब्बा उबा वो सब मैं और दिन भी कर देती हूँ। बाकी जो मेन मेन काम होता है ना, वो मैं संडे को करती हूँ, ताकि मेरे पतिदेव भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं हमें। तो यहाँ पे बाबू वाले रूम का मैं सफाई कर रही थी, खिड़की खुल नहीं रहा था, और तो इनको बोली मैं खोल दीजिए, तो खोल दिए खिड़की, फिर मैं साफ सफाई कर रही थी। बाबू वाले रूम में ना बहुत ही, मतलब जब भी हमारे हॉल है, हमारा बेडरूम है, मतलब हमारे घर के किसी भी कोने में इतनी गंदगी नहीं रहती है, मतलब जो धूल, गंदगी नहीं बोल सकते उसे, धूल बोल सकते हैं। सो क्योंकि इन लोगों का ना खिड़की उड़की खुला ही रहता है इसकी वजह से। और इसके बाद फोम, पेंसिल का जो छील के रखते हैं, वो पता नहीं क्या क्या इन लोगों के घर से निकलता है, रूम से निकलता है, कि क्या हूँ बताऊँ, क्या ही बताऊँ। साफ सफाई करने में इनका रूम, हम लोगों की वाट लग जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या निकलना है इन दोनों के रूम से। तो यहाँ पे हम इन दोनों की टेबल का जो सफाई है वो कर रहे थे, और ये देख सकते हो, पता नहीं क्या क्या ही निकल रहा था। और साफ 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 सफाई करते करते इन दोनों को, हमें कोई डांस कंपटीशन था एक साल पहले, शायद इन दोनों को फर्स्ट अवार्ड था, वही मिला। इन लोगों को बोलते हैं कि अवार्ड मैं इधर रख देती हूँ, तो पर नहीं, इन लोगों को अपने टेबल पर ही रखना है, सो यहीं पर ये लोग रखते हैं। पर पता नहीं क्या क्या उड़ रहा था यहाँ पे, देख सकते हो, इतनी धूल हो जाती है इन दोनों के रूम में कि मतलब बहुत। और जो भी जगह है हमारे, उन लोगों उधर नहीं उतनी गंदगी रहती है जितनी इधर रहती है। सो हम वही सफाई कर रहे थे। और इन लोगों का बुक वुक जो था ना, जो बुक काम का नहीं है, वो भी इन लोग इधर ही रख लेते हैं अंदर, देख सकते हो। तो वो सब भी मैं सोची थी कि मैं निकाल के और कोई झोला वोला में पैक करके रख दूँ, ताकि इन लोगों का टेबल थोड़ा सा फ्री हो जाए। तो वहाँ पर यही मैं कर रही थी। और टेबल को भी मैं क्या की, क्योंकि टेबल के अंदर जो है ना, वो खोल वाला टेबल है, तो इसके अंदर भी धूल थे, तो ऐसे में सफाई नहीं हो रही थी। तो मैं क्या कि पूरा बुक वो जितना सब कुछ था, बॉटल वोटल सब हटा के उसको ले जाके अच्छे से पहले धो दी साबुन वाबन सर्फ वर्फ लगा के, और फिर उसको क्या कि यहाँ पर देख सकती हूँ खोल वाला है, तो इसमें ना अच्छे से नहीं हो रही थी, वहाँ पर रख के साफ। तो यहाँ पे मैं निकाल के धो के फिर इसको अच्छे से कपड़ा लेके मैं पोंछ रही हूँ, ताकि पूरा गंदगी हट जाए। ये साफ़ सफाई तो हम दिवाली में अच्छे से कर सकते हैं, वैसे तो ऊपर ऊपर से ही सफाई होती है, जो मैन वाली अंदर से सफाई हम करते हैं वो तो। तो ये ब्लॉग संडे को शूट की थी, और डायरेक्ट ये जाएगा ब्लॉग, थोड़ा सा लेट जो जा रहा है, फ्राइडे को थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सफाई कर रहे हैं हम, तो जैसा जैसे हो रहा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये पिछले संडे को मैं साफ सफाई की थी। गुड मॉर्निंग, आज है मंडे, संडे को बाबू दोनों का रूम सफाई हो चुका है, और बहुत अच्छे से हो चुका था। मतलब इन दोनों के रूम में बहुत ही कचरा होता है, मतलब और कहीं भी हमारे घर में जितना कचरा नहीं होता है, इतना उन दोनों के रूम में होता है। तो आज मैं इस पे जाने वाली हूँ, छज्जी पे चढ़ने वाली हूँ, और इसके बाद इसका साड़ी का जो खोल है उसको भी उतार के धो ही दूँगी, ताकि इधर का पूरा क्लीन हो जाए, टेंशन ही ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद, क्योंकि अब दीपावली से पहले एक ही संडे आएगा, इसके बाद संडे को तो दूसरे संडे को तो दीपावली ही है, तो आज थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी, इसके बाद दिन पे दिन थोड़ा थोड़ा करती जाऊँगी। एक संडे के लिए अपना बेडरूम छोड़ दूँगी, ताकि उसमें भी थोड़ा सा लफड़ा लगेगा, क्योंकि अलमारी अलमारी है, तो उसका भी साफ करना है। तो संडे को बस छोड़ दूँगी, बाकी इधर जितना हॉल फॉल है सबको मैं धीरे धीरे क्लीन करती जाऊँगी। तो फिलहाल मैं अभी इस पर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, सो ये वाला जो क्लिप है वो काफ़ी दिन जो साफ सफाई कर रही थी मैं, संडे का क्लिप है वो, पिछले संडे का, और आज है फ्राइडे। सो थोड़ा बहुत संडे को सफाई की थी मैं, मतलब बाबू वाले रूम, और अभी और बहुत कुछ धीरे धीरे साफ सफाई चल रही है। आज है फ्राइडे, और इसके बाद बस एक ही संडे आएगा दीपावली से पहले, तो उस संडे को तो बहुत ही ज़्यादा काम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। आज फ्राइडे है, तो थोड़ा सा हम और कुछ सफाई करेंगे, जो हमारे हॉल का, हॉल के साइड है उधर का टेबल वेबल है, वो थोड़ा सा हमें साफ़ करनी है, और फिर हमें इधर खाना भी बनाना है। अभी मैं सब्जी काटने के लिए बैठी हूँ इसके अंदर तो मैं सब्जी काटने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। सो आलू सेम की सब्ज़ी है, यहाँ पर मैं काट चुकी हूँ,
ये देख सकती हो आप, आलू सेम की सब्जी मैं काट चुकी हूँ और अब मैं चल रही हूँ, इसको इस साइड बनेगा भी, एक किचन में हमारा सब्जी भी बनेगा और हम इधर साफ सफाई भी करेंगे। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो हम बैठ गए इधर सफाई करने के लिए और इसमें पता नहीं क्या क्या है, मतलब पूरा भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या है, हम देख लेते हैं क्योंकि जो कुछ इधर उधर रहता है ना, हमें जो लगता है कि इधर उधर कुछ ज़्यादा फैला है तो हम अंदर ही डाल देते हैं। बताओ ऐसे सब कौथी के काम है, यही सब कौथी है। इस सबको पहले मैं पूरा निकालनी होगी और यहाँ पे हमारा फेसियल भी इधर ही रहता है, देख सकते हो, जो कि हम ये साफ सफाई का काम मेरा हो जाएगा तो हम अपने फेस पे इसको पोतेंगे ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए, क्योंकि साफ सफाई में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाएगा मेरे फेस पे, तो थोड़ा सा क्लीन करना होगा। इसके लिए हम क्लीन करेंगे, पहले साफ सफाई करनी है क्योंकि वो भी बुधवार बृहस्पतिवार तक मेरा साफ सफाई का काम चलेगा और इसके बाद टाइम बचेगा वो मैं फेसियल करूँगी और जो भी कुछ काम होगा पर्सनल वो करूँगी। तो चलिए मैं साफ सफाई कर लेती हूँ, सबको सब धो देगी, सब समझ में नहीं होती, बहुत ही धो लेते हैं, थ्रेडिंग का धागा भी इधर ही रखा है।